पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बालक चंद्रगुप्त। बच्चों, यह जो पाठ है ये भारत के महानतम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। इस कहानी में उनके बाल्यावस्था के बारे में, एक विशेष वृतांत के बारे में बताया जा रहा है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और उन्होंने पूरे भारतवर्ष को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल हुए थे। इस पाठ में चंद्रगुप्त के बचपन की बहादुरी तथा साहस का वर्णन किया गया है। बाल्यावस्था किसी भी व्यक्ति के जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में ही हमारे अंदर हमारे जीवन की नींव रखी जाती है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा और आगे चलकर वही जो हमारा व्यक्तित्व हमारे बाल काल में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, उसकी छाप हमारे जीवन में हमेशा बनी रहती है। इसी प्रकार बाल्यावस्था में ही चंद्रगुप्त ने दरबार में वह कर दिखाया जो अन्य राजा नहीं कर पाए थे। अपने बुद्धि बल से मोम के बने शेर को पिघलाकर उन्होंने पिंजरा खाली कर दिया। सभी बालक चंद्रगुप्त की वीरता से प्रसन्न थे। अब हम इस पाठ की कहानी पर आते हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं, जिसमें मुख्य पात्र तो हमारा बालक चंद्रगुप्त ही है। चंद्रगुप्त के अतिरिक्त इस पाठ में महापद्मानंद हैं, चाणक्य हैं जो कि एक बुद्धिमान और श्रेष्ठ ब्राह्मण है। साथ ही साथ इस पाठ में चंद्रगुप्त की माता का भी वर्णन किया गया है। तो चलिए अब हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। बात उन दिनों की है जब मगध क्या गौरवमय इतिहास, राजनीति और धार्मिकता का विश्व केंद्र बन गया था। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। उस समय मगध पर महापद्मनंद का राज था। उन्होंने मौर्य सेनापति को बंदी बना लिया था। बंदी इस शब्द का अर्थ है कैदी। सेनापति के कुटुंब, यहां पर कुटुंब शब्द का अर्थ है परिवार। तो सेनापति के कुटुंब का जीवन किसी प्रकार कष्ट से बीत रहा था। यह तो साधारण सी बात है, अगर किसी के परिवार का कि किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाए, कैदी बना लिया जाए, तो उसके परिवार का जीवन तो कष्टों से भरा हो ही जाएगा। तो एक बार उसी मौर्य सेनापति के घर के सामने एक बालक खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे। प्रजा यानी जो राजा जिस पर शासन करता है उसको कहते हैं प्रजा। तो कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह राजा बना था। उन्हीं लड़कों में से किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता। वह दंड यहाँ पर यानी दंड का अर्थ होता है
इसी प्रकार से किसी गलत कार्य के लिए दिया जाने वाला सो कभी वह दंड देता, कभी पुरस्कार देता, आदि देने का राजकीय अभिनय कर रहा था। अभिनय यानी नाटक। चाणक्य जो कि एक बहुत ही बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों में से एक थे, उसी ओर जा रहे थे। वे एक बुद्धिमान ब्राह्मण थे। उन्होंने उस बालक की राजक्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। यहाँ पर राजक्रीड़ा का अर्थ होता है राजा के दरबार के विषय से संबंधित कोई नाटक करना। उन्होंने उस बालक की राजक्रीड़ा को बड़े ध्यान से देखा। उनके मन में कौतूहल भी जागा और विनोद भी सूझा। कौतूहल यानी जानने की जिज्ञासा और विनोद यानी बड़ा मजाक भी सूझा। ने बालक के पास जाकर याचना मतलब बड़े ही आदर भाव से किसी बारे में पूछना। राजन मुझे दूध पीने के लिए गौ चाहिए। बालक ने राजा समान उदारता का अभिनय करते हुए गायों को दिखलाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गाय ले लो। इस उक्त वाक्य में राजा समान यानी राजा की तरह चाणक्य ने हंसकर कहा, राजन ये जिनकी गायें हैं वे मारने लगे तो। बालक ने सगर्व कहा, सगर्व यानी जिसको अपने पे बहुत गर्व हो, किसका साहस है जो मेरे आदेश को ना माने। जब मैं राजा हूं तब मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। चाणक्य ने आश्चर्य से बालक से पूछा, राजन आपका शुभ नाम क्या है। यानी चाणक्य ने बालक से उसका परिचय मांगा। तब तक उसकी माँ आ गई और चाणक्य के हाथ जोड़ती हुई बोली, महाराज यह बड़ा दुष्ट बालक है, इसके किसी अपराध को ध्यान न दीजिएगा। चाणक्य ने कहा, नहीं यह बड़ा होनहार बालक है, इसकी उन्नति के लिए तुम इसे राजकुल में भेजा करो। यहाँ पर उन्नति शब्द का अर्थ होता है तरक्की। उसकी माँ ने माँ रुआसी होकर बोली, हम लोगों पर राजकोप है और इसके पिता राजा की आज्ञा से ही बंदी बनाए गए हैं। इस वाक्य में राजकोप का अर्थ होता है जिसको राजा ने दंडित किया। बालक का कुछ अनिष्ट ना होगा। यहाँ पर अनिष्ट शब्द का अर्थ है नुकसान। बालक का कुछ अनिष्ट ना होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल भेजो। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर चाणक्य चले गए। उस बालक की माँ एक दिन डरते डरते अपने बेटे को लेकर राजसभा में पहुंची। उसी समय किसी राजा ने राजसभा में एक लोहे के पिंजरे में मोम का सिंह बनाकर भेजा था और साथ ही साथ यह कहलवाया था कि पिंजरे को खोले बिना ही इसे खाली कर ले। उस जमाने में अर्थात उस समय में राजा लोग एक दूसरे के बल
बुद्धि आदि की परीक्षा लिया करते थे और इसके लिए वे तरह तरह के उपाय, यहाँ पे उपाय शब्द का अर्थ है तरीके, करते रहते, सोचा करते रहते थे। महापद्मानंद एक निष्ठुर और मूर्ख राजा था। यहाँ पर निष्ठुर शब्द का अर्थ होता है कठोर हृदय वाला। तो महापद्मानंद एक निष्ठुर और मूर्ख राजा था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। चापलूस वो लोग होते हैं जो हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। सारी राजसभा पिंजरे को खाली करने के बारे में विचार कर ही रही थी, लेकिन किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अपनी माता के साथ वह बालक यह लीला देख रहा था। वह भला कब मानने वाला था? उसने कहा, मैं खाली कर दूंगा। सब लोग हंस पड़े। बालक की ढिठाई भी कम न थी। राजा महापद्मानंद को भी आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, यह कौन है? पता चला कि यह राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या था, नंद की निष्ठुरता की अग्नि में एक और आहुति पड़ गई। यहाँ पर इस वाक्य का अर्थ है कि मनन जो राजा है, एक तो वह कठोर हृदय वाला राजा है, और यह जानकर कि वह लड़का जो था, जो बालक था, वह मौर्य सेनापति जिसको महापद्मानंद ने बंदी बनाया था, उसका बेटा है, तो ये जानकर तो वो और क्रोध में आ गया। यदि तू इसे खाली न कर सका तो तू भी इसी पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। अब उसने गुस्से में कहा सबके सामने, महापद्मानंद ने, कि अगर तुम इस पिंजरे को खाली नहीं कर पाए तो तुम्हें भी मैं इस पिंजरे में बंद कर दूंगा। उसकी माता ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आ गई? विपत्ति का अर्थ होता है परेशानी, संकट। परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा। यहाँ पर निर्भीकता का अर्थ होता है साहस, बिना डरे। और पिंजरे के पास जाकर उसे गौर से देखा। फिर लोहे की सलाख को गरम करके, यहाँ पर सलाख का अर्थ होता है छड़, तो लोहे की छड़ को गर्म करके उस सिंह के को गला दिया। इस प्रकार पिंजरा खाली हो गया। सब लोग चकित रह गए। चकित का अर्थ होता है हैरान। राजा ने बालक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, चंद्रगुप्त। राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर यही बालक ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बच्चों, यह पाठ के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद।